हेलो, वेलकम एवरीवन। SJVN थर्मल लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आ रही है, तो हम इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे। आपका क्या जॉब का आपका टाइप है, आपका क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, क्या आपका पे स्केल है, तो एक एक चीज़ों को हम देखेंगे। और ये मैं पहले ही बता दूँ, इसमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए है, तो दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी इसमें डिस्कस करेंगे एक एक करके सभी चीज़ों को। और ऐसे जो है जॉब के नोटिफिकेशन के वीडियो हम डेली आपके लिए लाते हैं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने नहीं किया है वो ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो इसका अंतिम तिथि भी यहाँ दे रखा है, तो वो एक चीज़ों को देखेंगे अभी। आपका ये वैकेंसी SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है आपका, ये एक वर्ष ही आपका ट्रेनिंग के लिए है, एक वर्ष का आपका अप्रेंटिस। ठीक है, ये अप्रेंटिस है एक साल का 2023 के लिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका दे रखा किस ब्रांच में कितनी वैकेंसीज हैं। तो ये आपका पहले डिग्री के लिए देखिए, तो सिविल के लिए भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ वैकेंसी 2, आपका किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, तो वो इस फॉर्म को फिल करेंगे। बाकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सबके लिए दे रखा है। और ये आप आगे डिप्लोमा होल्डर्स के लिए दे रखा है, तो इसमें भी सिविल इंजीनियरिंग के लिए नंबर ऑफ सीट्स 2 हैं। ठीक है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी अदर ब्रांचेस के भी दिया, ITI के लिए वैकेंसी दे रखा है जिसको हम नहीं देखते हैं। ठीक है, आरक्षण जो आपका रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग लागू होगा। ठीक है, यहाँ पे एज लिमिट दे रखा है, तो आपकी एज 18 से 30 ईयर्स के बिटवीन होना चाहिए। ठीक है, जो SC ST के अंडर आते हैं उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दे रखा है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, और परियोजना से प्रभावित जो परिवार हैं उनके लिए भी 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। तो ये आप देख लेंगे। आपके पास जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन दे रखा है, इसमें वही डिग्री डिप्लोमा जिसको मैंने ऊपर बता दिया है, आपका डिग्री या डिप्लोमा 2020, 2021, 2022 में कम्प्लीट होना चाहिए, वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने चीज़ें बता दी हैं। आपको एक वर्ष का जो है, और ये एक चीज़ दे रखा है कि यदि आप कहीं पहले से, ये आप देखिए, कहीं यदि पहले से आपने ट्रेनिंग ले रखी है, कहीं से अप्रेंटिस कर रखी है, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, यदि आपने अप्रेंटिस कर रखा है तो इस फॉर्म को आप फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके पास सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, नेट्स का पोर्टल है MHRD का, उस पर आपको आवेदन करना है जाके। जिन्होंने नहीं किया, जो कर रखे हैं उनके लिए कोई बात नहीं है। ठीक है, आपका प्रशिक्षण का अवधि मतलब ड्यूरेशन ऑफ जो आपका अप्रेंटिस है वो 1 ईयर का है। आपका बीटेक होल्डर्स के लिए जो है आपका 10,000 पर मंथ है सैलरी दे रखा है, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 8,000 पर मंथ सैलरी, तो अप्रेंटिस के लिए बहुत अच्छी सैलरी दे रखी है। ठीक है, तो जब देख लेंगे। अच्छा, ये एक चीज़ दे रखा है, जो भी आपके बाढ़ प्रभावित या ऐसे परियोजना से प्रभावित क्षेत्र हैं उनको जो है 50% का जो है, जो उम्मीदवार बक्सर जिले से हैं उनको भी 50% का आरक्षण सीट्स में दे रखा है, तो आप देख लेंगे, उनको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। ठीक है, प्रशिक्षण का अवधि आपका यदि पूरा हो जाता है, तो इसके लिए आपको एक चीज़ दे रखा है कि आप कोई भी इसमें परमानेंट जॉब के लिए आप उसमें दावा नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका राइट नहीं होगा, ये कंपनी का राइट होगा। ठीक है, आपको ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में कोई आपको रहने की सुविधा वो नहीं दे रही है, वो आपको खुद के लिए करना है। ठीक है, कोई भी आपका जो ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड नहीं होगा, वो 1 ईयर का ही होगा। ठीक है, आपका मापदंड का प्रक्रिया जो है, आपका प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस ये दे रखा है कि आपके मैट्रिक मतलब 10th का जो है वो, और जो ITI के उनके लिए है वो डिप्लोमा के लिए भी है, और इंजीनियरिंग के लिए 12th का सब अंक जो मार्क्स हैं उसको काउंट करके आपका मेरिट बनाया, तो कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, परसेंटेज मेरिट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, यहाँ पर डिग्री होल्डर्स के लिए दे रखा है, उनका 10th का 20% लेगा। ठीक है, और 20% आपका 12th का ये सब दे रखा है, 60% आपका इंजीनियरिंग के देगा, ये आप देख लीजिएगा। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 10th का 30% और डिप्लोमा का 70% लेकर मार्क्स बनाएगा, तो ये आप देख लेंगे। ठीक है, दस्तावेजों को सत्यापन के लिए आप जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगा रहे हैं उसके सत्यापन के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, वो आप उसके बाद ही शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें मैंने बता दी। आपको हाउ टू अप्लाई यहाँ दे रखा है, तो आपको अप्लाई करने के लिए MHRD के नेट्स पोर्टल पर जाना है, नेट्स पोर्टल पर जाके आपको आवेदन करना है, वहाँ से आपको एक पंजीकरण संख्या मिलता है, तो उसे आप नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद ऑफलाइन मोड में इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, नीचे दे रखा है वो मैं बता दूंगा आपको क्या तरीका है भरने का, तो ये नीचे दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर आपका फ़ी दे रखा है, तो 100 रुपीज़ जो फ़ी है OBC जनरल के लिए है, EWS के लिए है, बाकी जो भी अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST से उनके लिए कोई छूट मतलब फ़ी नहीं लगेगी, छूट है बिल्कुल, तो उनके लिए फ्री है, तो आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है,
तो ये करके आपको पता दे रखा होगा वहाँ पे, आपको सेंड करना है तो पूरी तरह से उस पर अपना आवेदन क्रमांक वगैरह जो भी है लिख करके, ठीक है, आपको 15/10/2022 तक भेज देना है। ये लास्ट डेट दे रखा है, ठीक है। तब ये आपका दे रखा है पूरा एड्रेस, ठीक है। तो आप देख लेंगे, मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम के, तो वहाँ आपको मिल जाएगा पूरा, ठीक है। यह आपका महत्वपूर्ण तिथियाँ दे रखा, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो आपका स्टार्ट होगा 6/9/2022 से, लास्ट डेट 15/10/2022 है, और ये आपका पूरा आवेदन का प्रारूप दे रखा है, तो ये आप देख लेंगे, और इसे मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, तो आप देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू। आप लोगों को यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए रही है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू।